myths and stereotypes अराउंड इनविजिबल डिसेबिलिटीज. अदृश्य विकलांगताओं के बारे में हमने एक वीडियो में ऑलरेडी बात करी कि वो होती क्या है. इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे होते हैं उनको हमारे देश में इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि शारीरिक बीमारी है, समझ के कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, दिख तो रहा नहीं है, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है कह के बहुत समय तक टाल दिया जाता है. और इन अदृश्य विकलांगताओं को से सिर्फ आदमी, औरत, ट्रांसजेंडर पर्सन, एलजीबीटी को, आपकी आइडेंटिटी कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता. अगर आप इससे जूझ रहे हो तो आप जूझ रहे हो. इवन मेंटल हेल्थ इनविजिबल डिसेबिलिटी का हिस्सा बनती है. बट होता क्या है कि जब आप ऐसी बीमारियों से जूझ रहे होते हो और हमारे देश में इन बीमारियों के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो काफी समय आपको ऐसा बोला जाता है कि ये सब आपके दिमाग में है, असलियत में कुछ नहीं हो रहा, आप बस बना रहे हो कहानी, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है. आपके परिवार वाले आप पे भरोसा नहीं करते हैं, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है. अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो तो अगर आपने छुट्टी ले ली उस बीमारी के चक्कर में और आप किसी दिन अच्छा नहीं महसूस करें तो आपकी नौकरी जाने के बहुत चांसेस है. और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है. और ये इन सब का कारण यही है कि लोग इन बीमारियों को समझ नहीं पाते. जिस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइपिंग लोगों को झेलनी पड़ती है विद इनविजिबल डिसेबिलिटी, वो काफी बुरी है. फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ भी काफी मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं. लोग सोचते हैं कि अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी या व्हील चेयर पे है तो बंदा ए सेक्शुअल होगा, उसकी कोई इच्छाएं नहीं होगी, वो कुछ कर नहीं सकता जिंदगी में. ऐसे ही जो लोग इनविजिबल या अदृश्य बीमारियों के साथ जूझ रहे होते हैं उनकी बीमारी वैसे ही नहीं दिख रही होती है. उसके ऊपर जब वो बताने की कोशिश करते हैं आप लोगों को या परिवार वालों को, दोस्तों को या किसी दुनिया को, तो उनको ये बोल दिया जाता है कि आप जो भी बोल रहे हो वो है ही नहीं और आप बस आपके मन में है और छोड़ दीजिए. काफी हौसला नीचे हो जाता है इंसान का, काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर बन जाता है. आप दुनिया में लड़ना चाहो भी और आप चीजें करना चाहो भी तो भी आप कहीं ना कहीं रुक जाते हो. और ये बीमारियां सिर्फ बड़ों को नहीं, ये छोटे बच्चों को भी होती है. आपको नहीं पता कि कौन इस बीमारी से जूझ रहा हो. आई होप इस वीडियो को सुनने के बाद अगली बार कोई आपको बताए कि उनको कोई ऐसी बीमारी है जो आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन है उन्हें, और वो एक विकलांगता है, तो शायद एक बार सुनने की, सोचने की, समझने की कोशिश करेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी कुछ नया पता चलेगा.